आज हम बिलारी के मेन बाज़ार में, और एक सबसे बड़ी बात बिलारी की है, प्रसिद्ध है कि यहाँ कपड़ा उद्योग में बिलारी का अलग स्थान है, लेकिन जिस तरह का ध्यान देना चाहिए उसमें कुछ कमियाँ रहीं, क्या सुधार हुए, क्या बदलाव की भी आवश्यकता है, उसको लेकर हम बात करते हैं। और ये बहुत बड़ा बिलारी के लिए एक रोज़गार का साधन बन सकता है, इसको लेकर हमारे आज हम बीच में हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरहान है। फरहान जी, जो यहाँ कपड़ा उद्योग है बिलारी का, और ये कहाँ तक आपके पास लोग आते हैं, और ये किस में क्या कमियाँ हैं और क्या बदलाव आपको देखने हैं, वो सब बताएं। यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर जो यहाँ का मेन काम है ना, वो जाड़ों का होता है, ठीक है। यहाँ पर हर उत्तर प्रदेश के हर कोने से ग्राहक आता है, तो उसे उसके लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए रहने के लिए। जो ग्राहक आता है उसे दिक्कत पड़ती है रहने की, कोई प्रॉपरली कोई रूम बेसिन वो नहीं है, क्या बोलते हैं इसे, हॉल वगैरह रूम नहीं है, तो उसे ये सबसे मेन बात तो यह है कि उसे बहुत दिक्कत पड़ती है, इस चीज़ का सुधार होना चाहिए। और दूसरी बात, बिलारी का जो मार्केट का नाम है सबसे ऊँचा नाम है, समझ रहे हैं आप, तो इसको ग्रोथ करने के लिए हमें बहुत से काम है वो करने चाहिए। जैसे ऑनलाइन वर्क होता है थोड़ा, तो उसके लिए हमें अलग से वो लगवानी चाहिए टीम वगैरह। बाकी आप क्या, और जो इस समय माहौल चला चुनाव में, तो कैसा चाह रहे हो कि यहाँ इसके लिए बदलाव क्या होना चाहिए, कैसा व्यक्ति आना चाहिए जिसको उठा सके, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे जो अंसारी समाज की है, हैंडलूम की जो काम करने वालों की संख्या है, और लोग रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं, जबकि यहाँ बहुत बड़ा एक वो बन सकता है, हब बन सकता है ये। सर सबसे पहली बात, जो यहाँ के कैंडिडेट खड़े हैं हाजी मोहम्मद इकबाल साहब, उनका अपना सबसे पुराना काम है मैन्युफैक्चरिंग का, जो बुनकर का मेन काम होता है, और वो अध्यक्ष भी इस चीज़ के, तो इस काम के लिए, जो काम को बढ़ाने के लिए जो आदमी चाहिए मैन, वो हाजी मोहम्मद इकबाल साहब ही है, क्योंकि वो आदमी मैन्युफैक्चरिंग करता है, और उनकी पूरी वो है समिति टीम जो बुनकरों की जो होती है ना, उसके लिए वो हम यही चाहते हैं हाजी मोहम्मद इकबाल साहब चेयरमैन बने, और इस चीज़ के लिए हर कोई जानता है ये बात को, कि कारोबारी बढ़ावा देने के लिए हाजी मोहम्मद इकबाल साहब ही सबसे अच्छे हैं, और ईमानदार आदमी हैं सबसे बढ़िया, तो मैं तो ये बात। जो भैया ने बताई अभी कि यहाँ पर ऐसा एक प्रत्याशी सामने आया जो इससे जुड़ा हुआ हो और इनकी समस्याओं को समझे और इनके लिए काम करे, यहाँ पे संभावनाएं बहुत हैं आगे बढ़ने की। वेलकम पीस पार्टी के, तो इनका मुद्दा यह है पार्टी का, ओके, ये है कि वो व्यक्ति ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, लोगों को बिलारी के रहने वाले हैं। अनोबर कैंडिडेट जो पिछले थे वो अदर मुरादाबाद देते हैं, बिलारी में नहीं घूमते, मेन आदमी यही है। तो कैसा लग रहा है उनका माहौल यहाँ पे इस समय आपको? इंशाल्लाह इस बार बहुत अच्छा माहौल है, सभी लोग ही जाते हैं, ज़्यादातर जो नॉन मुस्लिम वोट भी होता है वो भी बहुत अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह इस बार उन्हें, क्योंकि ईमानदारी होते, बिल्कुल ईमानदारी और कारोबारी के बढ़ावे को देखते हुए, मैंने ना तो और कोई कैंडिडेट कारोबार के हिसाब से नहीं है यहाँ पर, उन्हें पूरा कपड़े के बारे में जानकारी है, पूरी नॉलेज है, वो इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा और ऊँचे स्तर पर काम को आगे ले जा सकते हैं हर चीज़ के, उनका तो सपना बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पे ये कपड़ा उद्योग है, इसमें और क्या होना चाहिए जिससे कि ये कपड़ा उद्योग बहुत अच्छा हो जाए, लोगों को रोज़गार हो? यहाँ इंडस्ट्री बननी चाहिए, और हमारे बीच ने बताया कि यहाँ पे संभावनाएं बहुत हैं, और एक ऐसे प्रत्याशी की आवश्यकता है जो इस समस्या को समझें और इसको बढ़ावा दें। आज हम बिलारी की गुड़ मंडी मेन बाज़ार में, और ये सबसे बड़ा जो कपड़ा उद्योग है, यह मार्केट है हैंडलूम की, वो सबसे बड़ी मार्केट इसी में है, और आज हम जो कवरेज कर रहे हैं इस पर कर रहे हैं कि यहाँ जो दुकानदार हैं और जो व्यापारी हैं उनको क्या समस्या आती है इसको लेकर, और क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, और क्या नाम भैया आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। अच्छा आसिफ जी, जो आपका यहाँ दुकान है और जो समस्याएँ हैं क्या आती हैं कपड़ा उद्योग को लेकर यहाँ पर? समस्या तो कुछ नहीं है, बस ये थोड़ी सी समस्या है, ट्रांसपोर्ट वगैरह बढ़िया नहीं है यहाँ रहने सहने का, मतलब जैसे व्यापारी आता है बाहर से उसलिए रहने के लिए जगह नहीं है, और खाने पीने के लिए भी नहीं है, जैसे कैंटीन होनी चाहिए या टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए, इस टाइप से कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, और बाकी व्यापार तो सही है। लेकिन जैसा कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये बहुत ज़्यादा फेमस है बिलारी कपड़ा जी, और यहाँ सुबह भी मार्केट लग जाती है और उसके बाद भी लगती है, हैंडलूम का बहुत अच्छा काम है, तो अभी और क्या संभावनाएँ आप देख रहे हो, क्या बदलाव और हों कि यहाँ से उद्योग और बड़ा हो जाए यहाँ पर? ये नगर पालिका में बाज़ार लगता है मंगलवार और शुक्रवार का, तो यहाँ पर जैसे टीन शेड वगैरह होने चाहिए व्यापारियों के लिए, वो कमी है अभी थोड़ी सी, कैंटीन भी नहीं है वहाँ पर, और
मतलब ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं है, ये चीज़ होनी चाहिए मैम। अब लोग इतनी दूर से आते हैं बाहर से, तो उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। जैसे चुनावों का समय चल रहा है, तो आप कैसे व्यक्ति को चाहते हो जो इस को जो बढ़ावा दे आपको? जी मतलब चाहते तो यही है, काम होना चाहिए, लेकिन काम हो नहीं पाता है। आप इसी से संबंधित किसी को चाहते हो जो इसको बढ़ावा दे, या कैसे चाहते हो? मतलब अब बोलते तो सभी लोग हैं कि ये सुविधा होगी, ये होगी, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी सोसाइटी मतलब सुधार नहीं हो पाया है जैसा होना चाहिए। तो यहाँ आपको कुछ जो अभी कैंडिडेट हैं, कुछ लग रहा है किसी से उम्मीद जग रही है किसी की कि जो आपका उद्योग, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जो आबादी है वनसाई समाज की यहाँ पर, और वो इससे जुड़ा हुआ है बहुत बड़ी संख्या में, तो किसी से उम्मीद लगी है या कुछ ओपन ना करके नाम थोड़ा सा किसी है ऐसा कुछ ऐसा नाम ओपन नहीं करके मतलब किसी की इच्छा है? हाँ इच्छा तो है, अब ये तो वही रिजल्ट ही बताएगा। इच्छा तो हमें वोट तो देनी ही है। अच्छा। अब रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा। उम्मीद तो सबसे ही है, अब बोलते तो हर कोई है कि ये होगा वो होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन इस बार उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब ऐसे को लाओगे अपने बीच में, अपने बीच में लाओगे कि क्योंकि आपके तीन कैंडिडेट हैं अंसारी समाज से, अब तीनों ही लोग जुड़े हुए हैं इससे जी, तो किसी से तो उम्मीद लगी होगी आपको? हाँ बिल्कुल है उम्मीद, अब ऐसा नाम नहीं ले सकता ना मैं किससे उम्मीद, ये तो रिजल्ट बताएंगे बाद में। अच्छा, जो पुराने प्रत्याशी रहे हैं उनमें से ही रहेगा या कोई नया? नहीं इस बार कोई नया, अंसारी समाज में नया, इस बार कुछ नया चेहरा देखने को मिलेगा और इंशाल्लाह काम भी होगा। अच्छा। तो आपका एक निर्णायक वोट होता है यहाँ बिलारी के अंदर समाज में आपका है, और बहुत बड़ा ये बिलारी की पहचान है कपड़ा उद्योग से यहाँ पे जी, तो ऐसा कुछ आपने कुछ जो चेहरे पुराने रहे यहाँ पे आपके अनुसार उसमें ही रखोगे या थोड़ा सा बदलाव? नहीं देखो, बदलाव के लिए चेहरे बदलना चाहिए, क्योंकि पहले बदलाव नहीं हो पाया, तो अब बदलाव के लिए चेहरा बदलना पड़ेगा। तो इस बार एक आप जो दूसरी कैंडिडेट जो है अंसारी समाज की, जिस पर ज़्यादा आपकी उम्मीद लगी है, उसको लाएंगे निकाल कर? जी जी, पुरानी थोड़ा हो सकता है चेंजिंग हो, चेंजिंग होगी, बिल्कुल चेंजिंग होगी और सुधार भी होगा इंशाल्लाह इस बार जी।